केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को दूसरा बड़ा तोहफा दिया है। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करने के बाद अब मोदी कैबिनेट ने गेहूं सहित 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए MSP निर्धारित कर दी है। उन्होंने कहा है कि गेहूं की MSP पर 110 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह जौ की MSP में 100 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही जौ की MSP 1735 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वही बात दालों की करें तो चने की MSP में 105 रुपए की वृद्धि की गई है। अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5335 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 की वृद्धि के साथ 6000 रुपए क्विंटल पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रैपसीड सरसों की MSP में 400 रुपए की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि बीते जून महीने में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। तब केंद्रीय कैबिनेट ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान की MSP को 100 रुपए बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। इसी तरह अन्य खरीफ फसलों पर भी MSP बढ़ा दी गई थी। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली थी। दरअसल तब कैबिनेट की बैठक में खरीफ की 14 फसलों की 17 वैरायटियों की नई MSP को मंजूरी दी गई थी। तिल की MSP 523 रुपए तो तुअर और उड़द दाल की MSP 300 रुपए बढ़ा दी गई थी और धान की MSP 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी। ऐसे में MSP का बजट बढ़कर 1,26,000 हो गया था। इसी तरह पिछले साल भी केंद्र सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों और मसूर में 400-400 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी, जबकि MSP में सबसे कम बढ़ोतरी जौ में हुई थी। सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के सरकारी खरीद मूल्य में इजाफा किया था, जो कि MSP 1600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1635 रुपए हो गई थी। चने की MSP में 130 रुपए की वृद्धि की गई, तब इसकी कीमत 5230 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। मसूर की MSP में 400 रुपए तो सरसों की 400 रुपए और सूरजमुखी की MSP में 114 रुपए का इजाफा करने का फैसला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।